शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रबुल्ज़त के लिए हैं अस्सलाम वालेकुम लिस्नर्स मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नुशीन वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी जुल्फकार शेयर कर रहे हैं जुल्फकार कहते हैं आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ नाना जी बताते हैं एक दफ़ा की बात है साहब के पास कुछ लोग आए वो सिंध के किसी गांव से आए थे बहुत ज़्यादा परेशान थे वो लोग जैसे उनको पता चला शाह साहब का तो वो पूछते बुझाते उस गांव में पहुंच गए शाह साहब को पता चला कि सिंध से मेहमान आए हैं तो जब शाह साहब उनसे मिले वो पांच लोग थे तो शाह साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे उन लोगों का ये कहना था कि वो सिंध के एक गाँव के रहने वाले हैं और पिछले दो माह से वो बहुत से आमिल हसरात, बहुत से ऐसे सब लोगों के पास गए हैं लेकिन उनकी उस मुसीबत को कोई हल नहीं कर सका दरअसल उनके साथ मसला ये था कि उनके ही ख़ानदान का एक लड़का था जिसके ऊपर जन्नात का बसेरा था बहुत से आमलों ने बहुत से लोगों ने यह कहा था कि इसके ऊपर शैतान का बसेरा है और शैतान के साथ साथ ऊपर खान पूरा एक जन्नात का ख़ानदान भी उसके ऊपर काबिज़ है वो लड़का दिमागी तोज़न तो अपना खो चुका था घर वाले उसको हर वक्त जंजीरों में जकड़ के रखते थे क्योंकि जब भी वो उसको खुला छोड़ते थे वो किसी न किसी को नुकसान पहुंचा देता था जानवरों को भी वो खाने लग गया था उसकी ये हालत हो गई थी तो वो कहते हैं कि हम ज़्यादातर उसको बेहोश ही रखते थे लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ वो कुछ अरसा घर से ग़ायब हो गया हमें नहीं पता कि वो जंजीरों में से कैसे छूटा और कैसे वो घर से भाग गया इतनी बड़ी बड़ी जंजीरों में बंद करने के बावजूद कमरे का ताला लगाने के बावजूद वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था वो अपने ही खून के साथ जिस कमरे में उसको बंद करते थे जहाँ पर उसको बांधते थे वहाँ पर दीवारों पर और ज़मीन पर पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबान में कुछ लफ्ज़ लिखता रहता था और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी तस्वीरें भी बनाता था और हँसता रहता था जब उसको लापता हुए हुए तीन चार दिन गुज़र गए बहुत ज़्यादा उसको ढूँढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला आस पास के गांव में भी जाकर लोगों ने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला लेकिन तकरीबन पाँच सात दिन के बाद जब वो लोग ढूंढ ढूंढ के थक हार गए उनके बेटे का कुछ पता ही नहीं था तो एक सुबह उन लोगों के घर इतला आई कि उनका बेटा गांव के ही जंगल वाले हिस्से में जिस तरफ कब्रिस्तान था वहां पर एक दर्द के साथ उसकी लाश लटक रही है जब उन लोगों ने ये बात सुनी सब बहुत ज़्यादा डर गए गांव के सभी लोग उस दरख के पास गए वो दरख्त जो था वो बिल्कुल जिस जगह पर कब्रिस्तान खत्म होता था उसके कोने पर एक बहुत ही बड़ा पुराना पीपल का दरख्त था जिसके बारे में ये कहते थे कि वो दरख्त बहुत ही ज़ीफ़ और पुराना दरख्त है उस दरख़्त के साथ उसकी लाश लटक रही थी और काफ़ी ऊंचाई पर उसकी लाश लटक रही थी उसकी आंखें नोची हुई थी गर्दन की हड्डी और जिसम की हड्डियाँ टूटी हुई थी जब उन लोगों ने वहाँ से उसको उतारा सब बहुत रोए पूरे गांव में यह बात फैल गई उसके बाद उस लड़के की तदफीन हो गई लेकिन सिलसिला यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुआ उनके घर वालों को अपने ही घर से उस कमरे से उसकी जंजीरों की आवाज़ें आने लग गईं वो आवाज़ें दे देकर घर वालों को तंग करने लग गया वो तो मर चुका था उसके रूप में वो जिन्न जो उसके ऊपर काबिज थे अब घर वालों को तंग करने लग गए थे पूरे गांव वाले उनके घर से डरने लग गए कोई भी उनके घर नहीं जाता था यहाँ तक कि वो घर वाले ख़ुद भी उस घर से डरने लग गए उन लोगों ने तंग आकर वो घर छोड़ दिया वो घर छोड़ने के बाद उसी गांव में वो किसी और घर में रहने लग गए एक कच्चा सा मकान बनाकर लेकिन फिर भी जिन्नात ने उनकी जान नहीं छोड़ी उसी पीपल के दरख्त के पास जो कि कब्रिस्तान के एक कोने पर वाक़ था कभी न कभी चाँद की मखसूस तारीखों में किसी न किसी गांव के बंदे की वहां पर लाश मिलती थी उसको कौन वहां पर मारकर लटकाता था कोई भी नहीं जानता था अब ये सिलसिला शुरू हो गया कोई भी अगर गांव का आदमी रात के वक्त अकेला घर से बाहर निकलता था या गांव में वापस आ रहा होता था तो वो जन्नात वो ना दिखने वाले वजूद वो शैतान जो उस लड़के पर काबिज़ थे वो लोगों को वहाँ पर मार कर उसी लड़क पर लटका देते थे अगले दिन जो वहाँ से गुजरने वाले लोग या गोर कर पर किसी की लाश को लटके देखता था तो पूरे गांव में शोर बरपा हो जाता था यहाँ तक कि पूरे गांव में बहुत ही ज़्यादा खौफ व हरास फैल गया कि हम किसकी मदद लें बहुत से आमिल हजरात को बुलाया गया बहुत से लोगों को बुलाया गया लेकिन हर कोई वहाँ से वापस आ जाता था कोई भी उन जन्नात को वहाँ से भगा नहीं सका फिर इन लोगों को पता चला जब शाह साहब का तो ये लोग यहाँ पर आए इन लोगों ने कहा कि हमारी मदद करें हम बहुत मुसीबत में हैं शाह साहब ने उनकी सारी बात सुनी उन्हें ये कहा कि इन का हुक्म हुआ तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा हम सुबह आपको बताएंगे कि हम हम लोग आपके साथ आ रहे हैं या नहीं वो लोग मिलते समाजते करने लग गए उनको मेहमान खाने में ठहराया गया उसी रात शाह साहब ने इशा की नमाज़ के बाद पढ़ाई की और फिर शाह साहब ने यह कहा कि मैं आज इस्तारा करूँगा जिससे पता चलेगा कि हम लोग ये काम कर सकते हैं या वहाँ पर ऐसी कौन सी मखलूक है जो किसी के भी बस में नहीं आ रही तो शाह साहब ने रात को इस्तारा किया सुबह शाह साहब ने उन लोगों को बताया कि वहाँ पर एक शैतान देव का बसेरा है उस लड़के के ऊपर वो देव पैदायशी था उस देव ने उस लड़के को इस तरह से जकड़ा हुआ था कि उसका दिमाग पागल हो गया था और वो जो सारा कबीला था वो उस देव का ताबे था ग़ुलाम था जो उस लड़के के पीछे लगे हुए थे वो लड़का तो उन्होंने मार दिया लेकिन कब्रिस्तान के उस दर के ऊपर जब उसको लटकाया तो उसके बाद वो हर उस आदमी को मारने लगे जो रात के टाइम अकेला घूमता था जो भी वहाँ पर जाता था वो उस देव को इसलिए कैद नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जो देव था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इतनी आसानी से देव को क़ैद भी नहीं किया जा सकता शाह साहब ने यह कहा कि मैं कोशिश करके देखता हूँ आगे जो अल्लाह की मर्जी हुई उसी दिन शाह साहब और मैं और कुछ और भी हम लोगों के आदमी थे जो हम सब सिंध के लिए रवाना हो गए वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे बहुत दूर दराज एक गांव था गांव काफ़ी ज़्यादा बड़ा था आबाद गांव था लेकिन उस गांव के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा जंगलात और वहराने थे बाकी के जो गांव थे वो दूर दूर पड़ते थे बहुत ज़्यादा रास्ते अभी खाली थे वीरान रास्तों के ऊपर जन्नात के बसेरे थे रात को जो भी गुज़रता था वो जन्नात उनको तंग करते थे शाह साहब ने जब उस जगह को देखा पहले दिन हम लोग पहुँचे सफ़र के थके हुए थे आराम करने के बाद जब उस तरफ को देखा उस जगह को देखा तो शाह साहब को पता चल गया कि ये वही देव का मस्कन है अब वो इस पीपल के दरख्त के ऊपर था शाह साहब ने कहा कि ठीक है मैं तीन दिन की पढ़ाई करूँगा तीन दिन की पढ़ाई के बाद पता चलेगा कि इस दियो को यहाँ पर कैद किया जा सकता है या नहीं तीन दिन मगरब की नमाज के बाद शाह साहब और मैं वहाँ पर जाते थे उज़्रग के पास हम लोग हिसार करके के पहले हिसार करते थे फिर वहाँ पर बकायदा पढ़ाई होती थी उसके बाद जैसे ही पढ़ाई शुरू करते थे तो उस दरख़ के ऊपर से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी कभी वो चीखों पुकार औरतों के होते थे तो कभी वो चीखों पुकार आदमियों के होते थे आग के गोले भी हवा में उड़ते नज़र आते थे जो सब जन्नात होते थे जब तीसरे दिन वहाँ पर पढ़ाई की तो उस दरख़ के ऊपर से बहुत भयानक भारी सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी और ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत भारी कदमों के साथ हम लोगों के इर्द गिर्द चल रहा है लेकिन दिखाई कोई भी नहीं देता था उस दिन मौसम भी खासा ख़राब था बहुत तेज़ आंधी थी उस तेज़ आंधी में ऐसा लगता था जैसे हवा में बहुत अजीबोगरीब गरीब साए और हेवले घूम रहे हैं गोल गोल और उस तरफ़ के पास आकर गायब हो जाते थे तीसरे दिन जब शाह साहब ने पढ़ाई पूरी की तो शाह साहब ने यह कहा कि तीन दिन की पढ़ाई में उस मखलूक उस देव ने कोई हमला नहीं किया कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जब तक प्रॉपर हिसार ना किया जाए पढ़ाई ना की जाए ऐसी मखलूक़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता फिर शाह साहब ने अगले दिन वहाँ पर बहत्तर कील मंगवाए सेवेंटी टू कील मंगवाए उन सारे कील के ऊपर पढ़ाई की पढ़ाई करके हर कील के ऊपर काले रंग का धागा बांधा गया काले रंग का धागा बांध के वह सारे कील उस दरख के इर्द गिर्द सारे कील लगा दिए गए बहुत कदीम और पुराना दरख्त था और उसका तना भी बहुत बड़ा था और उसकी शाखें भी बहुत फैली हुई थी उस दर ऊपर वो बहत्तर कील जब लगाए गए तो ऐसा महसूस होने लगे जैसे उस दरत को कोई ज़मीन से निकाल कर बाहर फेंक देगा गाँव के बहुत से लोगों ने यह मंज़र देखा बहुत खौफ व हरास था शाह साहब ने यह कहा कि इन हुक्म से अल्लाह के करम से अब ये मखलूक इस दरख़्त तक कैद हो चुकी है बेहतर यही है कि शाम होते इस दर के पास और कब्रिस्तान के इस हिस्से में ना आया जाए अपनी हिफाज़त की जाए ग्यारह दिन तक अगर यहाँ पर कोई और वाक्य रूनुमा ना हुआ तो फिर इन शे चीज़ यहीं पर कैद होकर रह जाएगी लेकिन अगर ग्यारह दिन में दोबारा से जन्नात ने किसी को मारा यहाँ पर लटकाया तो फिर इसका ये मतलब है कि ये दो अभी भी क़ैद नहीं हुआ दो दिन मज़ीद हम लोग वहाँ पर रुके सारी रात उस गाँव से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थी फ़िज़ा में ऐसा लगता था कि किसी की चीख गूंजती है लेकिन बहुत दूर कुत्तों के भोंकने की, की आवाज़ से और वो ड्रावनी चीख़ें सुनाई देती थीं। हम लोग दो दिन के बाद दोबारा शाह साहब वहाँ पर गए आने से पहले सारे कील वैसे के वैसे ही थे कहीं से कोई कील नहीं निकला हुआ था कहीं कोई भी ऐसा इसार नज़र नहीं आ रहा था कि जिससे ये पता चल सके कि यहाँ से वो केल निकले हैं ये किसी ने निकालने की कोशिश की है गोरकन से भी जब पूछा गया तो गोरकन का भी यही कहना था कि मुझे भी फिलहाल यहाँ पर कोई मखलूक दिखाई नहीं दी लेकिन जब मैं यहाँ पर पहले आता था जब वो जन्त आज़ाद थे तो मुझे अजीब व मखलूक दिखाई देती थी अजीब व जानवर दिखाई देते थे कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत अजीब व चेहरों वाले लोग भी इस दर के पास नजर आते थे मैं उनसे हम कलाम नहीं होता था और फिर वो ग़ायब हो जाते थे लेकिन दो दिन गुजर गए हैं मैं असर की नमाज़ तक यहाँ पर आता हूँ चक्कर लगाता हूँ कब्रों की देखभाल करता हूँ ना तो मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी है और ना ही कुछ दिखाई दिया है अक्सर उस दरख़ के पास से धुआं भी नज़र आता था अब वो धुआँ भी नज़र नहीं आया फिर हम लोग वापस आ गए ग्यारह दिन के बाद वहाँ से एक आदमी आया और शाह साहब ने जब उससे सारे हालात दरियाफ़त किए तो उसका ये कहना था कि अभी फ़िलहाल तो हम लोगों के गांव में दोबारा कोई भी वाक़ रूनुमान नहीं हुआ इन ग्यारह दिनों में किसी भी इंसान को उस मखलूक ने उस देव ने उन जन्ात ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया लेकिन रात के वक्त उस साइड पर बहुत ज़्यादा कुत्ते भोंगते हैं ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस तरह के इर्द गिर्द रात के वक्त बेतहाशा कुत्ते होते हैं जो वहाँ पर भोंगते हैं बहुत ज़्यादा कुत्ते दिखाई देते हैं उस तरफ तो शाह साहब ने यह कहा कि ज जो कुत्ते होते हैं जो जानवर होते हैं जन्नात और वो देव उस दरख्त पर दिखाई देते हैं जानवरों को उनके असल रूप में नज़र आते हैं इसलिए अक्सर कुत्ते रात के वक्त भौंकते हैं कि उनको ये मखलूक़ात नज़र आती हैं लेकिन उन आदमियों का ये कहना था कि वो कुत्ते तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं गांव के कुछ लोगों ने उस तरफ़ बहुत से कुत्तों को जाते देखा है तो शाह साहब का ये कहना था उनमें कुछ तो जानवर कुत्ते हैं और कुछ जिन्नात के रूप हैं जो वहाँ पर उस कैद देव को और उसका जो कबीला जन्नात का है वो उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जा कर भी उस तरफ़ के नज़दीक नहीं जा सकते नाना जी कहते हैं वो गाँव बहुत ज़्यादा पुराना और कदीम था और वो जो दरख़्त था जो उस पुराने कब्रिस्तान के एक अकेले कोने पर था जिसके आसपास पास कब्रें अभी भी नहीं थीं जगह खाली थी वो दरख्त भी बहुत ज़्यादा भयानक था उसको देख कर ही वहशत होती थी ऐसा महसूस होता था जैसे वहाँ से आपको कोई देख रहा हो यह नाना जी ने हमें एक कहानी सुनाई शाह साहब ने उनको ये कहा कि ग्यारह दिन ब़ैरो आफियत गुजर गए हैं लेकिन आप लोगों तो ने हिफाजत हमेशा करनी है कोशिश ये करनी है कि उस दरख्त के पास मगरिब के बाद कोई भी ना जाए चाहे कोई भी काम हो उस रास्ते को छोड़ दें फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस चले गए ये एक स्टोरी थी जो हम लोगों को नाना जी ने सुनाई उनकी और शाह साहब की ज़िंदगी की बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर करें मैनचेस्टर से वकास कहते हैं कि आज आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिसका नेम तैयब था तैयब रावल पिंडी का रहने वाला था और वह पेशे से एक अलक्ट्रिशन था तैयब तो कहता है एक दफ़ा ऐसा हुआ मैं अपनी शॉप पर बैठा था तो मुझे एक शख्स की कॉल आई उसने ये कहा कि हम लोगों का घर है तो हम लोगों के घर का कुछ हिस्सा ऐसा है कि वहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम नहीं है हम लोगों ने वो हिस्सा नया बनाया है हम लोगों के घर में शादी का फंक्शन होने वाला है बरए मेहरबानी आकर हम लोगों के घर में सारा बिजली का काम कर दो और उसके बाद फिर कोशिश करना कि काम जल्दी हो जाए क्योंकि हम लोगों के वो शादी का फंक्शन शुरू होना है तैयब तो कहता है कि मैंने उस बंदे से सारा टाइम फिक्स कर लिया और जाकर उसका घर देख लिया और वहाँ पर काम शुरू कर दिया जितने दिन का काम था मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उससे पहले वो काम कंप्लीट कर लूँ लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर वो काम थोड़ा डिले हो गया फिर भी मैंने जैसे कैसे करके उनके उस हिस्से की सारा जो बिजली का काम था वो कर दिया जिस दिन आखिरी दिन था जिस दिन मैंने अपना काम ख़त्म किया तो जहर की नमाज़ का टाइम हो गया मैंने जहर की अज़ान के बाद ज़हर की नमाज़ अदा की बाकी का, का काम सारा पूरा किया अभी मैं वहाँ से जाने ही लगा था मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला था मैंने मालिक को फ़ोन कर दिया कि मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया है तो उसने ये कहा कि मैं आ रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं देख लेता हूँ उसका इंतज़ार करने लगा बिल्कुल अकेला था मैं तो मुझे उस घर के सेकेंड फ्लोर से हंसने की आवाज़ आने लग गई मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया कि हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है वो हंसने की आवाज़ उस घर के सेकेंड फ्लोर से आ रही थी मुझे बड़ा अजीब लगा मैं बहुत आहिस्ता से आराम आराम से ऊपर चढ़ के गया तो सामने कोई भी नहीं था वो हंसने की खेलने की जैसे बच्चों की आवाज़ें होती हैं बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं एक कमरे से आ रही थी मुझे बड़ा तजुब हुआ कि मैं इतने दिनों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ यहाँ पर तो अभी फैमिली शिफ्ट नहीं हुई यहाँ पर अभी वो लोग आए नहीं हैं दरवाज़ा भी बंद होता है तो ये बच्चों के हंसने की आवाज़ कैसे आ सकती है अपना वो तजुब और तजस दूर करने के लिए जब मैं उस कमरे के करीब गया उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक दिल दहला देने वाला मंसर था वहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे वो तकरीबन पंद्रह बीस बच्चे थे एक ही जितने उनके कद और एक ही जितने उनके अब वो अजीब व गरीब हुए थे सब एक ही जितने थे एज भी एक जितनी थी बहुत खौफनाक बच्चे थे उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो रोशनी अंदर आई तो उनमें से बहुत से बच्चों ने मेरी तरफ़ देखा जिनकी आंखें चमक रही थीं वो गायब हो गए मैं बहुत ज़्यादा डर गया अब वहाँ पर रुकना मेरे लिए नामुमकिन था मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया आई तक कुर्सी पड़ता पढ़ता, पढ़ता मैंने अपना सामान उठाया उस घर से बाहर निकल आया तो आगे से वो मालिक आ रहा था उसने जब मुझे देखा कि मैं घबराया हुआ हूँ तो मैंने उसे कहा कि नहीं बस मुझे देर हो रही थी मैं इससे बाहर निकलाया मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं वो इस बात पर यकीन करे या ना करे और उनके घर में जैसे फंक्शन होने वाला था हो सकता है वो चीज़ खौफ में बदल जाती इसलिए मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई लेकिन मैंने ख़ुद वहाँ पर जिन्नात के बच्चों को देखा पता नहीं वो लोग वहाँ पर कैसे रहते होंगे या कैसे वहाँ पर वो शादी के फंक्शन हुए होंगे ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मनचस्टर से शेयर की बहुत शुक्रिया वकास साहब का जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी नशीब्र फिफ्टी सेवन पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कल हॉर स्टोरीज ऑफिशियल पर भी स्टोरी आएगी उसको भी विज़िट करना है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी जाकर सब्सक्राइब करना है इस चैनल को भी जितने लोग विज़िट करते हैं स्टोरी सुनते हैं पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें चैनल को सब्सक्राइब किया करें इसी तरह से इस चैनल पर आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरी सीजन भी स्टार्ट होने वाला है जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे इन लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा लेना वॉइस ऑफ तो मेरी सिस्टर का चैनल है उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ट अल्लाह के